हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज है सैटरडे और जैसा कि आप लोग जानते हैं हर सैटरडे रात को मैं लाइव आता हूँ, हम लोग लाइव बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, गिव अवे करता हूँ। आज रात में भी कोशिश करूंगा आप लोग के साथ लाइव इंटरेक्शन करने का। लेकिन आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है भाई लोग, बीटेक वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए, हैवी वाटर बोर्ड मुंबई की तरफ से यहाँ 229 पोस्ट निकली हुई है। बीटेक डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए, बीएससी वालों के लिए भी कुछ पोस्ट है। डिटेल्स इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए जो पोस्ट है उसके लिए बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीटेक वाला हर कोई एलिजिबल नहीं है। कौन कौन एलिजिबल रहेगा उसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाला है। पूरा नोटिफिकेशन डिटेल से मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूँ, आखिरी तक बने रहना मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग, जैसा मैंने बताया हैवी वाटर बोर्ड में 229 से ज्यादा पोस्ट निकली हुई हैं। यहाँ डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए पोस्ट है, इसके अलावा एक्सपीरियंस बेसिस पर भी यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हैं। डिटेल से बात करते हैं, 229 पोस्ट में डिप्लोमा वालों के लिए कुल 70-70 पोस्ट है, जबकि आईटीआई वालों के लिए 139 पोस्ट हैं। डिप्लोमा वालों के लिए स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 के अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल वालों के लिए पोस्ट निकली हुई है। केमिकल वालों के लिए सबसे ज्यादा पोस्ट निकली हुई है। इसके अलावा बीटेक वाले भी डिप्लोमा वाली मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर कोई एलिजिबल नहीं है, आगे इस बारे में बात करेंगे। फॉर्म भरने की आखिरी डेट रखी गई है 26/6/2018। 26/6/2018 के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। और ये डेट 26/6/2018 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस डेट तक आपका डिप्लोमा, आईटीआई या बीटेक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आईटीआई वालों के लिए स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2 के अंदर 139 पोस्ट निकली हुई है। इसमें प्लांट ऑपरेटर की सबसे ज्यादा 60 पोस्ट निकली हुई है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है 12th PCM के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ। अगर आप 12th पास आउट है 60% के साथ तो आप प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आईटीआई वालों के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए, फिटर के लिए, टर्नर के लिए, मशीनिस्ट के लिए, वेल्डर के लिए, ड्राफ्ट्समैन, सिविल और मैकेनिकल के अंदर आईटीआई वालों के लिए भी यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 के लिए डिप्लोमा के साथ बीटेक वाले भी भर सकते हैं, या जो आईटीआई वालों की ट्रेनी की पोस्ट है उसके लिए डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे हिंदी में मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण नोट के नाम से यहाँ पे लिखा हुआ है। श्रेणी 1 एवं 2 के लिए भर्ती नियम के अनुसार पात्रता के तरीके का निर्णय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अंकों के आधार पर लिया गया है। मतलब जो योग्यता का निर्णय लिया गया है वो न्यूनतम है, मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसके बाद लिखा हुआ है, तथापि यदि अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी इस पद के लिए चयन की इच्छा रखते हैं तो उन्हें भर्ती के मौके से वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी कि इससे हायर एडुकेशन वाले अगर भरना चाहते हैं तो उन्हें भर्ती के मौके से वंचित नहीं रखा जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट है एज लिमिट, एज लिमिट के अंदर होना चाहिए। इसके बाद लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जिसके पास अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता प्राप्त है, यानी कि जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे बीएससी वाले हैं या फिर डिप्लोमा वाले हैं, अगर वो आईटीआई वालों के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको जो पे स्केल है वो आईटीआई वालों के लेवल में ही मिलेगी। कब तक? 6 साल तक। 6 साल के बाद आपके डिप्लोमा के बेसिस पर आपका प्रमोशन होगा। उसी तरह बीटेक वालों के लिए 8 साल का समय दिया गया, यानी कि अगर आप बीटेक वाले हैं, डिप्लोमा बेसिस पर फॉर्म भर देते हैं तो 8 साल के बाद आपकी बीटेक के बेसिस पर आपका प्रमोशन हो जाएगा। इसके अलावा एमटेक और पीएचडी वालों का भी दिया हुआ है 10 वर्ष, लेकिन क्या मतलब है, क्योंकि एमटेक और पीएचडी वाले तो एज लिमिट पे खड़े ही नहीं उतरेंगे। यह इन लोग बोलना चाहते हैं कि एमटेक और पीएचडी वाले भी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब 22 साल की उम्र में किसका पीएचडी कम्प्लीट हो जाता है या 24 साल की उम्र में किसका पीएचडी कम्प्लीट हो जाता है, ये तो नॉनसेंस वाली बात है। बाकी पीएचडी और एमटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं दोनों कैटेगरी के लिए, डिप्लोमा के लिए भी, आईटीआई वालों के लिए भी। 10 साल के बाद उनकी डिग्री के हिसाब से उनको प्रमोशन मिलेगा। इसके अलावा फिजिकल एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे दी गई है, हाइट क्या होनी चाहिए, वेट क्या होना चाहिए, वेट और हाइट के करस्पॉन्डिंग बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई क्या होना चाहिए, आँख कितनी अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है, 6x18 से बैटरी आपका विजन होना चाहिए, 6x18 से अच्छा आपका विजन होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, और 6x6 होना चाहिए ग्लासेस के साथ करेक्ट होने के बाद।
तो ये फिजिकल है, एक बार आप देख लीजिएगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी वन डिप्लोमा वालों के लिए रिटर्न टेस्ट होगा, 2 घंटे का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे नहीं पता। रिटर्न में साइकोमेट्रिक आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, डे टू डे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जीके आएगा, इसके अलावा आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड चीज़ें आएंगे। वह स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी टू यानी कि आईटीआई वालों के लिए पहले प्रीलिम्स होगा, उसमें मैथ्स साइंस और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद एडवांस टेस्ट होगा या डिसिप्लिन से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा जैसे आईटीआई वालों का होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिलेक्शन होने के बाद आपकी परमानेंट नौकरी, परमानेंट सरकारी नौकरी लग जाएगी, लेकिन 2 साल की ट्रेनिंग के बाद। डिप्लोमा वालों को पहले साल ट्रेनिंग के दौरान 16,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, दूसरे साल 18,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। डिप्लोमा वाले ट्रेनिंग खत्म होने के बाद साइंटिफिक असिस्टेंट बन जाएंगे। उसी तरह आईटीआई वालों को फर्स्ट ईयर पहले साल 10,500 रुपये पर मंथ मिलेगा, दूसरे साल 12,500 रुपये पर मंथ मिलेगा, उसके बाद आईटीआई वाले टेक्नीशियन बन जाएंगे। इस दौरान ट्रेनिंग के दौरान हॉस्टल फैसिलिटी आपको दी जाएगी, वहाँ पे आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है, एक्सपीरियंस बेसिस पर भी यहाँ पे कुछ पोस्ट निकली हुई है, जैसे कि टेक्नीशियन की पोस्ट निकली हुई है, क्रेन ऑपरेटर की पोस्ट निकली हुई है जिसके लिए 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर मेडिकल की पोस्ट निकली हुई है, MBBS प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसके अलावा नर्स की पोस्ट निकली हुई है, इसके अलावा स्टेनोग्राफर Grade 2 Grade 3 अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट निकली हुई है जिसके लिए टाइपिंग वगैरह मांगा गया है। तो अगर आप इनमें एलिजिबल हैं तो यह सब भी देख सकते हैं। एग्जाम के सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया में 5 मेट्रो सिटी, 5 बड़े शहरों में आपको सेंटर मिलेगा, मुंबई, कोटा, चेन्नई, भुवनेश्वर और हैदराबाद। तो ये 5 शहर में आपको एग्जाम का सेंटर मिल जाएगा। फॉर्म भरने की आखिरी डेट मैंने आपको बता दी, 1 से ज्यादा पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 से ज्यादा पोस्ट के लिए आपको 1 से ज्यादा बार फॉर्म भरना पड़ेगा। लास्ट डेट के पहले आपका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, डिप्लोमा कंप्लीट हो जाना चाहिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। तो भाई लोग, यही थी कुछ बातें जो इस वीडियो में आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करना भाई लोग, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। जय जवान, जय किसान।